हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार के सरकारी स्कूल के कक्षा 7 के स्टूडेंट, तो आप लोगों के गणित का प्रश्न वायरल अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसका सेट ए हम लोग पहले देख चुके हैं। ये है सेट बी वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पिछले सेट में हम लोग नहीं कर पाए थे, वो इस सेट में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता था कि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लोग को देखना है, -20 × -15 × -25 × -5। तो इसका जो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, इसको एक जगह यहाँ गुना करके, इसको एक जगह यहाँ गुना करके, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा 37,500। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो पूर्णांकों का गुणनफल -30 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 15 हो तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, माना दूसरा पूर्णांक x है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा 15 × x बराबर -30। तो इसीलिए आपका x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर यहाँ पे आ जाएगा -2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में LM समानांतर हो तो x और y का माप ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है y बराबर आपको जो दिया गया है वह यहाँ पर से 100 और y दोनों को ऐड करने पर हम लोग को 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो गया 110 और y बराबर हो जाएगा 70। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो लंबाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो 6.5 / 1.25, इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.2 आ जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, ₹70.50 प्रति लीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 70.5 × 3.5 को गुना करेंगे तो 246.75 आ जाएगा। अगला सवाल है, एक छात्र ने प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में निम्नवत प्रदर्शन किया। प्रथम सत्र में आपको हिंदी में 60, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 76, गणित में 80, सामाजिक विज्ञान में 84। द्वितीय सत्र में हिंदी में 80, उसके बाद अंग्रेजी में 65, उसके बाद विज्ञान में 80, उसके बाद गणित में 95 और सामाजिक विज्ञान में 85। उपयुक्त आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो छात्र ने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया, सबसे ज़्यादा किस में सुधार किया, तो हिंदी में, क्योंकि 20 अंक का उसमें अंतर आया। उसके बाद फिर हम आगे हम लोग देखेंगे तो क्या है, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ, तो यहाँ पे अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी में जो है पहले 70 आ रहा था, अब वो 65 हो गया, यानी कि वो और घट ही गया। तो यहाँ यहीं तक था आप लोगों का यह वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।